राजनीति में आज धर्म बहुत हद तक इन्वॉल्व है. बिना धर्म के राजनीति नहीं की जा सकती है, जाति के बिना राजनीति नहीं की जा सकती है. तो अकॉर्डिंग टू यू ये चीज ठीक है एक एक कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप में? अब जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने जाते, क्या हमारे नेता के लिए सही? नहीं, ये गलत है. जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर वोट मांगना कानूनी दृष्टि से भी और नैतिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है. धर्म का मतलब क्या है? हम कई बार धर्म को बहुत नैरो सेंस में लेते हैं. हमारे यहाँ महाभारत में, रामायण में, उपनिषदों में, बाकी सब में जिक्र आता है कि राजा का धर्म ये है, पुत्र का धर्म ये है, पिता का धर्म ये है, माता का धर्म ये है. हमारे यहाँ जो धर्म का कंसेप्ट है, धर्म का कंसेप्ट नैतिक मूल्यों के साथ है. राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना. प्रजा का धर्म है राजा के प्रति पूरा सहयोग करना. पुत्र का धर्म है अपने पिता की देखभाल करना. पिता का धर्म है कि वो अपने पुत्रों की, बच्चों की तरफ पूरा ध्यान दे. तो हमारे यहाँ जो धर्म का कंसेप्ट है, धर्म हमारे यहाँ नैतिक मूल्यों के साथ है. रिलीजन जो है अंग्रेजी का शब्द, वो धर्म की सही व्याख्या नहीं है. उसकी सही ट्रांसलेशन है पंथ, आपका अपना सेक्ट. रिलीजन, रिलीजन आपका सेक्ट है. धर्म आपका नैतिक कर्तव्यों के साथ जुड़ी हुई चीज है. इसलिए अगर आप नैतिक मूल्यों को राजनीति में नहीं रखोगे तो क्या अनैतिक मूल्यों को रखना चाहोगे? लोग कह देते हैं धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन किस धर्म को अलग होना चाहिए वो आपका व्यक्तिगत जाति पाति पंथ की बात आती है. लेकिन नैतिक मूल्य रहे, इसमें तो किसी को शक नहीं है. धर्म कहता है कि सच बोलना ठीक है, झूठ बोलना पाप है. तो अगर हम कहें कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, तो क्या उल्टा होना चाहिए कि सच बोलना पाप है, झूठ बोलना सत्य है? धर्म नैतिक मूल्यों के साथ है. अगर उसकी सही परिभाषा को हम समझे तो मैं समझता हूँ कि आगे हमने धर्म राज युधिष्ठिर कहा. क्यों कहा? क्योंकि वो नैतिक मूल्यों पर अड़े हुए थे, इसलिए उनको धर्मराज कहा. इसलिए नहीं कहा कि वो कोई विशेष पूजा पद्धति में विश्वास करते थे या किसी विशेष भगवान को याद करने का उनका अपना अलग से ढंग था. धर्मराज यानी वो धर्म को मानकर चल रहे थे, यानी वो नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देते थे. सब आपने चर्चा थोड़ी सी हम टर्न करते हैं अभी पंजाब इलेक्शन पे, इसे फोकस करते हैं कि बिल्कुल सिर पे है पंजाब इलेक्शन और भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, पंजाब और हरियाणा दो राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात, कांग्रेस एक प्रमुख पार्टी है जो रहती है या सत्ता से आती है. हम एक अलायंस में सत्ता में आते हैं, पंजाब में भी हरियाणा में भी. अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है कि हम अलायंस के बिना पावर में आए. पंजाब में हमारा अकाली दल से अलायंस है और जब भी बीजेपी मजबूत हुई है, बीजेपी का आधार बढ़ा है, हमने सीटें ज्यादा जीती हैं तो कांग्रेस हारी है. जब बीजेपी कमजोर हुई है तो कांग्रेस चुनाव जीती है. तो इस बार जो पिछला चुनाव हुआ उसमें बीजेपी अकाली दल ने मिलकर अपनी सरकार बनाई. आज फिर हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी अकाली दल दोबारा सरकार बनाएगा. उसका कारण यह है, 5 साल में हमारी सरकार ने बहुत डेवलपमेंट का काम किया है और अभी जो ये राइट टू सर्विसेज एक्ट आया है, ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम है. आगे कोई व्यक्ति दफ्तर में जाता था, छोटे मोटे सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन देकर आ गया, तो 2 महीने 3-3 महीने कोई प्रवाह नहीं करता था. इस क्लर्क के पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, ये भी पैसे मांगता था, वो भी पैसे मांगता था. आज उसकी समय सीमा निर्धारित कर दी गई. आपने अगर ये लेना है सर्टिफिकेट, यहाँ जाइए, अगर वो 3 दिन के अंदर आपको देगा, अगर 3 दिन में नहीं देगा तो उसकी आप बड़े अफसर को बताइए, उस पर पेनल्टी लगेगी जो उस आदमी को अपनी जेब से देनी पड़ेगी. ये जो एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण कदम, आम आदमी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि राजनीति में सत्ता में तो MP, MLA, मिनिस्टर आएंगे, विधानसभा में बैठेंगे, कार होगी, कोठी होगी. आम आदमी को तो रोज थाने जाना पड़ता है, अस्पताल जाना पड़ता है, कचहरी जाना पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता है, बस में जाना पड़ता है, उस बिजली के दफ्तर जाना पड़ता है, पानी के दफ्तर जाना पड़ता है. उसके लिए तो जब तक वहां पर एक सकारात्मक परिवर्तन नहीं होगा, उसके लिए सरकार ए की हो, बी की हो, सी की हो, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है. वो तो जो भी मंत्री है वो कार में आएगा, कार में चला जाएगा. वो ए का है, बी का है, सी का है, उससे उसको ताल्लुक नहीं. डीसी का कौन है, इससे उसको ताल्लुक नहीं. हमारी सरकार ने ये जो आम आदमी को रिलीफ दी, ये बहुत महत्वपूर्ण है. दूसरा, छोटी छोटी बातें आगे होती थी, एफिडेविट अटैच करा के लाओ, नोटरी के पास जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, बहुत समय उसमें बीतता था. आज सेल्फ डिक्लेरेशन आ गई, पश्चिम देशों की तरह आपने लाइसेंस अप्लाई करना है, आप साइन करके लिखिए कि मैं इसको टेस्ट करता हूं, मैं इसको वेरीफाई करता हूं, सफिशिएंट है. अगर कोई आदमी गलत वेरीफाई करता तो कानून उस पर कार्रवाई कर सकता है. तो बहुत सारी ये चीजें जो एक मैं कहूं कि अड़चन बनती थी काम करवाने में, वो सरकार ने हमारी दूर की. जन साहब, 2007 में आप हिमाचल के इंचार्ज थे भाजपा के, और उस टाइम में इंडिपेंडेंटली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की ही आई है. अब आने वाले टाइम में आप उत्तराखंड के भी इंचार्ज रहे हैं, तो बीइंग ए इंचार्ज आपका कंट्रीब्यूशन जो अपनी टीम को यूनाइट करने का रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी की उन राज्यों में जड़ें भी मजबूत करने का रहा होगा, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और आने वाले टाइम में उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है? देखिए, मैं पहले एक पूरी धर्म
उत्तराखंड का प्रभारी रहा, हिमाचल का प्रभारी रहा, आजकल मैं भारतीय जनता पार्टी का जो लीगल सेल है उसका राष्ट्रीय प्रभारी। मेरी दोनों स्टेट्स में, हिमाचल में भी और उत्तराखंड में भी, दोनों पहाड़ी राज्य थे। एक बात मैंने नोट किया है कि वहाँ के लोग सरल हृदय के हैं, भले आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, छोटी छोटी बातों में पड़ते नहीं हैं, नाइस हैं, ऑनेस्ट हैं, ये मेरा अनुभव वहाँ का रहा। और मैंने ये भी महसूस किया कि वहाँ पर प्रैक्टिकली टू पार्टी सिस्टम है, उत्तराखंड में भी हिमाचल में भी, कांग्रेस बीजेपी, ना कांग्रेस को किसी के लड़ाई की जरूरत पड़ती है ना भाजपा को पड़ती है। उत्तराखंड में थोड़ा सा दो तीन सीट की कमी थी तो उत्तराखंड क्रांति दल से हमारा समझौता हुआ। मेरा अपना विश्वास ये है कि हिमाचल में भी, उत्तराखंड में, अगर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी नेता मिलकर रहें, मिलकर चुनाव लड़ें, आपस में समन्वय से के साथ चलें, सहजता से, सरलता से, सुगमता से काम करें, तो पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। कांग्रेस में इतनी ताकत नहीं है कि हमको हिमाचल में और उत्तराखंड में हरा सके, अपने अंदर से ठीक ठाक रहे। और मैंने यही दोनों जगह प्रयास किया, जितने भी निर्णय हमने लिए वो सबकी सहमति से लिए। हिमाचल की मैं कह सकता हूँ मुख्य तौर पर जो निर्णय होते थे उसमें मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता जी और जो और संबंधित लोग थे उनको बिठाकर हम निर्णय लेते थे। कई बार कई विषयों पर काफी हार्डन स्टैंड भी सामने आते थे और उस स्थिति में मेरा प्रयास होता था कि शांता जी, धूमल जी दोनों को और मैं साथ में बैठे कहीं खाने पे, कहीं चाय पे बुलाया जाए, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे, चार चार घंटे भी कई बार हम बैठते थे और मैंने देखा कि बातचीत से समस्या का समाधान निकलता था और चीजें समाधान की ओर जाती रही। और अब क्योंकि साल भर से, सवा साल से मैं नहीं हूँ तो जहाँ जो जिम्मेवारी मेरी नहीं होती उसमें मैं अपनी टांग में कभी अड़ाता नहीं हूँ। मेरे पास लीगल सेल का काम है तो लीगल से मामले जुड़े जो भी हैं उसको जितना हो सके ईमानदारी से करने का प्रयास करते हैं। जैन साहब, अक्सर ये बात न्यूज़ में रहती है कि भारतीय जनता पार्टी पे के पास एक एक स्ट्रॉन्ग फेस नहीं है जो प्रधानमंत्री का दावेदार हो सकता है। 2014 में इलेक्शन भी आ रहे हैं तो कांग्रेस के पास कई लीडर्स हैं, कई चेहरे हैं, वो किसी को भी आगे ला सकता है, तो बीजेपी में ये एकजुटता सेंटर के मंत्रियों में क्यों नहीं है? ऐसा बीजेपी और कांग्रेस की वर्किंग में एक मूलभूत अंतर है। कांग्रेस पार्टी दुर्भाग्य से एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई, उसका नाम भी कांग्रेस आई, कांग्रेस इंदिरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये पार्टी लगभग एक परिवार की पार्टी बन गई। आप में कितनी भी योग्यता हो, कितने भी आप में गुण हो, लेकिन आप कुछ पदों पर इस परिवार की मर्जी के बिना नहीं जा सकते। आज भी सोनिया गांधी जिसको चाहे हटा दें, जिसको चाहे रख दें, उसके उलट हमारी पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस के जितने भी पीएम बने हैं नेहरू खानदान के, सबका मालूम है, किसी को नहीं मालूम कि उनके पिता क्या काम करते थे। सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, वेंकैया नायडू जी, अनंत कुमार जी, हमारे यहाँ जो ये राष्ट्रीय नेता हैं, प्रथम पंक्ति के नेता हैं, ये सारे के सारे अपनी योग्यता के कारण आ गया है और इन सब में गुण है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब किसको प्रधानमंत्री बनना है, कब बनना है, ये नेतृत्व पार्टी का उस समय डिसाइड करेगा। हम व्यक्तिवाद में कम विश्वास करते हैं, सामूहिक नेतृत्व में ज्यादा विश्वास करते हैं, मिलजुल कर निर्णय हो। आज भी हमारे यहाँ आपने देखा होगा कोई विषय आ जाए तो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, कांग्रेस की तरह नहीं है। विधायक दल का नेता चुनना है तो एक लाइन का रेजोल्यूशन होता है कि हम श्रीमती सोनिया गांधी को अधिकृत करते हैं, तो जिसको चाहे उसको नेता बना दे। हमें पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी में, इंटरनल आंतरिक समन्वय में संवाद में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लगभग सारी की सारी पार्टी इस परिवार के बाद में अगर कहूँ गहने रख दी है, मॉर्गेज कर दी है, वो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे पास एक से एक बड़े नेता हैं जो प्रधानमंत्री पद के काबिल हैं और समय आने पर पार्टी इस संबंध में निर्णय करेगी। आज वरुण गांधी जी बहुत अच्छी स्थान पर हैं, मेनका गांधी भी लोकसभा में हैं, वरुण गांधी भी लोकसभा में हैं, उनका पूरा मान सम्मान है। तो जैसे बाकी नेता हमारे आगे आए हैं वो दोनों भी बहुत आगे आए हैं, उन दोनों का पार्टी में पूरा मान सम्मान है, लेकिन वो इस कारण से नहीं है कि वो गांधी परिवार से, इस कारण से है कि वो बीजेपी में आकर उन्होंने बीजेपी में समरस हुए हैं और बीजेपी की विचारधारा को, काम को आगे बढ़ाया, इसलिए वो अपनी योग्यता से, अपने काम से जितने आगे जाना चाहेंगे पार्टी उनको अनुमति देगी। स्काई इज द लिमिट, कहीं तक भी वो जा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसे मैंने आपको बताया व्यक्ति के गुणों के आधार पर उसको आगे बढ़ाया जाता है और उनमें जो गुण है उसके आधार पर वो बहुत आगे अभी भी जाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि जो पॉलिटिशियन होता है वो कहीं ना कहीं लो बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो एक अधिवक्ता से नेता तक का सफर किस तरह का आपका भी रहा और मोस्टली अधिवक्ता नेता कैसे? देखिए ये बात सही है कि बहुत सारे राजनेता अधिवक्ता भी हैं, राजनेता भी, उसका कारण ये है कि राजनीति में जो विधानसभाओं में जाते हैं, संसद में जाते हैं, उनका काम है कानून बनाना और जो वकील है उसका काम है कानून की वकालत करना।
तो आप उठा के देख लें, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देख लें, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख लें, मोतीलाल नेहरू जी को देख लें, स्वयं लाल कृष्ण अडवाणी जी लॉ ग्रेजुएट हैं, सुषमा जी लॉ ग्रेजुएट हैं, अरुण जेटली, मुनीष तिवाड़ी, अभिषेक मनु सिंघवी, ये लोग ऐसे हैं जो राजनीति से आए हुए, वकीलत करते करते राजनीति में हैं और आगे गए हैं। उसका कारण ये है क्योंकि हमारा पेशा सीधा सीधा कानून से जुड़ा है, कानून राजनीति से सरकार से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह बात भी सही है कि वकालत में और राजनीति में समन्वय बिठाने में बहुत दिक्कत परेशानी आती है। दोनों के अंदर समन्वय बिठाना, वकालत के लिए भी समय निकालना, राजनीति के लिए भी समय निकालना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अगर आप व्यवस्था से चलें तो सारी चीजें व्यवस्थित हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। जो आपकी अभी तक की जर्नी रही है अपने फर्स्ट डे से एंड देन पॉलिटिकल में एंटर करने के बावजूद, आज आप अपने आप को कहां पाते हैं, कितने संतुष्ट हैं अपनी जिंदगी से? देखिए, मैं अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हूं। गुरबाणी का वो श्लोक आता है कि हम हूं परम पुरुष का दासा, देखन आयो जगत तमाशा। और गुरबाणी का दूसरा श्लोक है कि तू जागे अरदास हमारी, जियो सा पिंड तेरा, कहो नानक सब तेरी बढ़ियाई, कोई नौ न जाने मेरा। जिसे रामायण में कहा गया, सुन रे भरत भाभी प्रबल, बिल्क के हो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिनाथ। तो मैं धर्म में, संस्कृति में विश्वास करने वाला आदमी हूँ। गीता में, रामायण में, गुरबाणी में मेरा पूरा विश्वास है। सुबह लगातार दो दो घंटे गुरबाणी सुनता हूँ, गीता सुनता हूँ, रामायण सुनता हूँ। गुरबाणी के श्लोकों पर मैं एक घंटा दे सकता हूँ। उर्दू पढ़ता हूँ, उर्दू के शेर पढ़ता हूँ, उर्दू जुबान पर तकरीर कर सकता हूँ। पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। जितना भगवान मेरे पर दयाल रहा है, भगवान सभी पर इतना दयाल हो, सभी लोग सुखी और खुशी रहें, बस यही कामना रहता हूँ। पल दो पल में ये थे हमारे आज के खास मेहमान सत्यपाल जैन जी। सत्यपाल जी, आप हमारे शो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक कीड़ा बहुत सताती है, तो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, बड़े बड़े सेटबैक्स भी मिलते हैं। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से।